और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, जहां सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद ये कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। ओबीसी सीटों के साथ ही होना चाहिए, हमारी वरिष्ठ नेता है, निश्चित रूप से उनकी बात को वजनदारी से लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र इसकी आज शुरुआत हुई है और दिवंगत नेताओं को पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई, इसके बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई, श्रद्धांजलि के बाद कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। पहला दिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, दिवंगत नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, दिवंगत नेताओं को पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई और अब कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर और ताजा अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का